ये देखो भाई साहब। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और मौसम हो रहा है बहुत ही सुहाना और लवरेज मौसम है। और कार्तिक काका है आज अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ। जैसा कि आपने कल के ब्लॉग में देखा था कि इसके ब्लड टेस्ट हुए थे, रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट नॉर्मल है, थोड़ी ऊपर नीचे एक दो चीज़ें हैं बट वो भी ठीक है, वो डॉक्टर को हम दिखाएंगे। तो हिसाब से जो भी मेडिकेशन होंगी, जो भी प्रिकॉशंस हमने लेने हैं, वो डॉक्टर हमें बता देगी। और तो सीधा जा रहे हैं हम अभी डॉक्टर के पास। और मौसम बहुत ही लाजवाब हो रहा है, बादल फिर से आ रहे हैं नीचे, मानसून जा नहीं रहे, बट हमें तो मज़ा आ रहा है। बारिश वाले, हाँ बारिश वाले बादल हैं। सुबह कितने बादल गरज रहे थे, सुबह 6 बजे उठा मैं, बादल गरज रहे थे। वो ये क्या है, ये कौन से हैं? सुंदर लग रहा है, सुंदर लग रही है। ये कौन से फूल आ गए? ये नदियों के पास नहीं होता, वो दूर दूर नदियाँ पहाड़ों में, पर ये पहले तो कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है। वेरी नाइस। ये हेलीकॉप्टर से किसी ने फेंके होंगे बीज, अंग्रेजों ने ना। चलो, मौसम हो गया है बारिश वाला। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं खुद को क्या था, लिरिक्स भूल गया मैं दोस्तों। कमेंट में बताओ क्या था इसके आगे। बोतल भी साथ लाया, अभी जिंदा हूँ तब जी लेने दो, पी लेने दो, भरी बरसात में पी। तो दोस्तों, कार्तिका का अभी CTG हो रहा है, जिससे बच्चे की धड़कने टेस्ट होती हैं, वो टेस्ट होना ज़रूरी होता है, तो वो भी हो रहा है। वो भी OT में है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, और जैसी वो आती है तो भी उसकी रिपोर्ट हाथों हाथ मिल जाएगी। बाकी डॉक्टर को हमने सारी रिपोर्ट दिखा दी, तो डॉक्टर बोल रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ ऐसा नहीं है, माइन्यूट ऊपर नीचे, शुगर 68 भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रेगनेंसी में चलता है, तो वो मतलब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। और जो अभी एक रिपोर्ट आनी है वो मैं अभी आपको बता दूँगा थोड़ी देर में। मेडिकल स्टोर दवाई लेने। तो दोस्तों, डॉक्टर से हो चुके हैं हम फ्री, और मेडिसिन भी ले लिए हैं कार्तिका की। और अभी कार्तिक, वो जो हार्ट बीट का जो हुआ था टेस्ट, बच्चे की हार्ट बीट का, वो भी नॉर्मल है एकदम। इतनी छोटी सी हार्ट बीट आई थी, छोटी सी रिपोर्ट, ECG उसका वो ECG होता है, THC था ना, नहीं TCG, CTG, CTG छोटे बच्चे हो चुका है, ये भी एकदम नॉर्मल है। तो एवरीथिंग इज नॉर्मल, थैंक यू गॉड्स ग्रेस, आप सबकी दुआएं भी हैं हमारे साथ, तो सब कुछ अभी नॉर्मल चल रहा है, अच्छी बात है। तो अब हम सीधा चलते हैं घर, और कार्तिका के लिए भी रास्ते से नारियल पानी ले लेंगे और फ्रूट्स ले लेंगे। और अभी कार्तिका का भाई भी आ गया, तो अभी उससे भी मिलने हम, क्योंकि उनका घर भी हॉस्पिटल के पास ही है, तो सब काम निपट गया। इसके बाद कार्तिका को घर पर ड्रॉप करके मैं चला जाऊँगा स्टोर पर। मेरे पैरों में दर्द हो गया एकदम से आते हुए हॉस्पिटल से, इसके काल्स में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, एकदम से तेल लगा देंगे, जो मम्मी वाला तेल है वो लगा दूंगा। अकड़ गया पैर के नीचे, पता नहीं क्यों, पहली बार हुआ मुझे ऐसे चलते चलते अचानक से। वो वेट भी बढ़ रहा ना, 3 kg वेट बढ़ा अभी हमारा, वेट की वजह से भी हो शायद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको, जाम हो रहा है बहुत, थोड़ी देर में मिलते हैं फिर हम सीधा घर पे, सब्जी भी लेनी थी। तो दोस्तों हम आ गए हैं, क्या सब्जी लेना, क्या लेना है बताओ, कद्दू। कैसे दिया कद्दू, 30 रुपए किलो, 1 किलो दे दो। और बीन्स, ये मलाई पानी, कितनी प्यारी बेबी। बेटा क्या नाम है, नाम है बेटा आपका, आरुषि, बहुत प्यारा नाम है आपका, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया लगा मुझे। एक ये भी दे दो भाई, अरबी एक खाली, हमारी सब्सक्राइबर भी है गारुशी, जो रेगुलर व्लॉग देखती है हमारे। बच्चे घबरा जाते मेरी शक्ल देख के, लग रहा नाम नहीं बताते। सब्जी सब्जी ले ली है एकदम मस्त, और सीधा चल रहे हैं हम अब घर को। मैंने लिया है नारियल पिया जो था उसका अंदर की मलाई, लेकिन ये बहुत हार्ड है, प्रॉपर नारियल ही बन गया, तो उसकी चटनी बनाएंगे घर जाके धोकर। ये कार्तिका की मम्मी ने बनाया ये तेल, देखिए। चलो अब इसको यूं करो सीधा। सर एक्यूप्रेशर कैसे डालूंगा मैं,
जिस हिसाब से नॉर्मल तेल लगता है वैसे लगा रहा मैं। ऐसे नहीं लगती, कैसे ऐसे लगता ऐसे है वाला। तेल ऐसे ऐसे वाला क्या करूं? मेरे सर ये में दर्द कर दिया ये यू यू मुझे ना गुस्सा आ रहा। गुस्सा तो आएगा ही, हॉस्पिटल से आके किसे गुस्सा नहीं आता, क्यों हुई? अरे यार हॉस्पिटल में इतनी गर्मी भयंकर, इतनी गर्मी। तो दोस्तों हम घर आ चुके थे और घर आके आपने देखा, आयुष ने वो भी दिखाई आपको हार्ट बीट और सब ठीक है। बाकी मेरे को थकान तो हो ही रही और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो आयुष ने मालिश भी कर दी थी। और अब हमने खाना खा लिया है सबने, आयुष भी स्टोर जा चुका है। तो अभी मेरे पार्सल्स आए थे तो मैं देख रही हूँ क्या आया, क्योंकि मैंने काफ़ी चीज़ें मंगाई थी तो देखते हैं क्या आया है अभी। तो पार्सल में ये आया है, ये है कॉटन मैक्सी और ये आएगी हॉस्पिटल में काम, तो मैंने हॉस्पिटल के लिए मंगाई थी, कॉटन में है ये तो अच्छी आई है वैसे। तो दोस्तों शाम का समय है और मैं सो गया था थोड़ी देर और फिर मेरे को पेस्ट कंट्रोल वाले भैया आ गए थे, उन्होंने उठा दिया। तो हमारे घर में चल रहा है अभी पेस्ट कंट्रोल और बहुत सारे कॉकरोच हो गए थे घर में, कॉकरोचेस कार्रवाई चल रही है और आतंक मचा हुआ है। इतने कॉकरोचेस मैंने अपने जीवन में नहीं देखे हुए, बहुत सारे कॉकरोचेस है। ये देखो भाई साहब, बहुत जरूरी है ये करना, हर 3-4 महीने में करवाना चाहिए ये। बहुत तेज स्मेल है इसकी, मास्क पहन लेना चाहिए। अब भैया इस वाले रूम में आ जाओ, पेस्ट कंट्रोल करा लिया है, कार्तिका इस रूम में है, कार्तिका के रूम में नहीं कराया है पेस्ट कंट्रोल क्योंकि उसको फिर प्रॉब्लम होती है ज़्यादा। बाकी मैंने बाकी घर में करा दिया है, बट बहुत तेज स्मेल आ रही है इसकी, मुझे चक्कर आने लग गया। मैं जा रहा हूँ भी, मैं भी उसी रूम में जा रहा हूँ। हाँ भाई स्मेल तो नहीं आ रही तुम्हें ज़्यादा? हल्की आ रही ना। हेलो दोस्तों, तो अब बज चुके हैं, जैसा कि आपको पता है कि कितने बज रहे होंगे, अब बज रहे हैं रात के 2:15, एक सेकेंड 2:15 क्यों, 2:45। आज में लेट आएगा? नहीं। हाँ काम कर रहे थे। हाँ बहुत थक गया मैं यार। दोस्तों मेरे को कोई लड़का ला दो जो रात को मेरा स्टोर देख ले। खैर चलो कोई बात नहीं, अभी तुम देख ही रहे। अब मैं खा रहा हूँ लंडन डेयरी आइसक्रीम जो मैं लेके आया था कल कार्तिका के लिए, वो मैं खुद खा रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्रेविंग हो रही है, मैं बहुत थक चुका हूँ यार। और लंडन डेयरी बेरीज एंड क्रीम, वन ऑफ द बेस्ट, इतनी बढ़िया ये। तुम तो दूध पियोगे क्या, आइसक्रीम खाओगे? खाई क्या तुमने कभी आज तक ये वाली? हाँ तू पहले खा ले, मैं मुक्का मारूंगा बाद में दूंगा। इसको आइसक्रीम बहुत पसंद है। उसको दे दो तुम पहले। चलो खाओ तुम, मेरे को भी दे देना बचेगी तो, ठीक है? ये दूध मैं पी लूँ क्यों? दूध मैं पी लेता हूँ, आप प्रोटीन डाल के जो तुम्हारा प्रोहेंस मॉम डाला हुआ है वो प्रोहेंस डैड पी लेते हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और करेंगे कल कंटिन्यू। और अब हो गया है सोने का टाइम, खाना वाना सब कुछ हो गया था, आइसक्रीम भी हो गई, अब मैं दूध पीऊंगी थोड़ी देर बाद। हम 6 बजे ही सोएंगे। तुम हम किस लिए बोलते हो 6 बजे? मैं कितने बजे सोता हूँ बताओ? मैं तुम 6 बजे सोते हो? जब तुम 6 बजे सोते हो, 6 बजे मैं सोती हूँ रोज। मैं कितने बजे सोता हूँ बताओ? तुम 3 बजे सो जाते हो, 3:30-4। अच्छा 4:30-3:30। तो चलिए मिलते हैं आपको कल इसी ब्लॉग के साथ, कंटिन्यू करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। खा गया मैं सारी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और सुबह का समय है और आज मेड ने दे दिया हमें धोखा, हमारी हेल्पर ने धोखा दे दिया है, वो आई नहीं, आज काम ज़्यादा था तो इसलिए आज उनकी मैडम की तबीयत खराब हो गई और मुझे फ़ोन पे कह दिया कि भैया आप खुद ही कर लो। तो ठीक है भाई, हम खुद ही कर लेते हैं। तो खैर मैंने और कार्तिक ने मिलके किचन सारा साफ कर दिया है, लेकिन किचन अभी काम करने लायक नहीं हो रहा बिल्कुल। मैंने सारा खोल खाल के किचन को एकदम डीप क्लीनिंग कर दिया आज किचन की, और अभी ब्रेकफास्ट का कुछ सीन नहीं बन पा रहा था तो इसलिए मैं ब्रेकफास्ट करा रहा हूँ पैक। मैंने पैक करा लिया, परांठे पैक कराए हैं, अब एक एक परांठा खाएंगे, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधा हम घर पे। तो ये जी हमारा आज का नाश्ता, गरम गरम पराठे दही तक चटनी। हाँ जी क्या कहना है आज की मॉर्निंग के बारे में, कैसी रही आपकी सुबह? बकवास। और मेरी कैसी रही होगी? शानदार स्मोकी। चलो
आ जाओ भाई आ जाओ, गुड़िया चाय लेके आ गई है। शर्म आ गई क्या? 3 hours later। हेलो दोस्तों, तो शाम का समय है, बज रहे हैं 5। इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा है और मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं सो गया था स्टोर से आके। आज मैंने बहुत काम करा, आज मेड भी नहीं आई, किचन विचन पूरी साफ करी, किचन खोल रखी है। अमित भैया को मैंने दोबारा बुलाया है, अब अमित भैया वापस से किचन हमारी सेट कर रहे हैं। वेरी टायरिंग डे, पूरी खोल के सारी साफ करी, अभी वापस सेट हो गया। A few hours later. तो समीक्षा लाई है मेरे लिए आनंदम से टिक्की, और इसकी टिक्की मेरी बहुत फेवरेट है, करारी होती है। देखिए यहाँ अभी लेकर आई है ये, और ये सौगी नहीं हुई क्योंकि करारी रहती है इसकी पार्सल में भी। गुलाब जामुन है ये भी लेकर आई गरम गरम, ये खाएंगे बाद में। तो दोस्तों मैं आ गया था घर स्टोर से, और कार्तिका भी अब सो चुकी है और मैं भी अब बस सोने जा रहा हूँ। तो मिलते हैं आपको कल अपने नए ब्लॉग में, तब तक ले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज मिस्टर एंड मिसेस टंडन। ओके गाइस, बाय बाय।